विदिशा चिली की सरौंच में मर्डर केस के आरोपी की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुंडरा बंगाल निवासी हत्या मामले का आरोपी कोरोना पॉजिटिव था, जिनके उपचार के दौरान मृत्यु होने की सूचना बेटे द्वारा पुलिस को दी गई। सिरौंज थाना SI शिवेंद्र पाठक ने बताया कि सुनील पंथी नामक युवक ने उनके पिता मुनालाल की मौत की सूचना दी, जो कि मर्डर केस में आरोपी थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पैरोल पर ले जाकर कोविड सेंटर में उपचार जारी था, जिस दौरान मृत्यु हुई। हालांकि शव को PM के लिए भेजा गया है, जबकि जांच जारी है। ग्राम मुडरा बागल थाना सिरोंज का रहने वाला सुनील पंथी नाम का व्यक्ति आज मॉर्निंग में 9 बजे थाने पर आकर सूचना दिया कि उसके पिताजी, जिनका नाम मुन्नालाल पंथी है, वो मर्डर के केस में पिछले 7 सालों से जेल में थे और COVID-19 की वजह से मार्च 2020 से पैरोल पर आए थे। उनको कुछ बीमारी थी, जिसमें उनको यूरिनल प्रॉब्लम था, उस वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कल रात में अचानक रात को 12 बजे उनकी तबीयत खराब हुई, उस दौरान उसको लेकर सिरोंज अस्पताल आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वो लोग फिर हॉस्पिटल लेकर नहीं आए और घर लेकर चले गए थे। उसके बाद आज मॉर्निंग में आकर उसने रिपोर्ट ले कराया, जिस पर से थाना सिरोंज में मर कायम करके जांच में लिया गया है। मृतक मुन्नालाल पंथी का पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल सिरोंज से करवाकर मर की जांच जारी है। लगभग कितनी उम्र थी सर? उनकी उम्र थी तकरीबन 65 साल के आसपास। जी सर, थैंक यू।